सो वेलकम गाइस, मैंने उड़ा तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे थे 10। आज मैंने छुट्टी करी है इसलिए ताकि मुझे 2-3 काम पड़ गए थे और मैं अब उनके लिए, पहले तो मुझे अपने बाल कटवाने, बाल क्या है काफ़ी बड़े हो रहे हैं। हमें बड़े अब्बू को छोड़ने के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, उसके बाद शायद मैं सेक्टर 62 में जाऊँ, कुछ पता नहीं है। अगर वक्त मिला तो वहाँ पर भी जाऊँगा क्योंकि जो है मेरी फ़ीस अटक गई है, फ़ीस मैंने सबमिट कर दी है लेकिन फिर भी वो फ़ीस मांग रहे हैं, चुल है एक तरीके से। अगर आपने फ़ीस अगर आप दोबारा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने पहले ही जो है वो सबमिट कर दी, वक्त से पहले ही आपने सबमिट कर दी, लेकिन मैं मानता हूँ अगर आपने वक्त से पहले आपको फ़ीस दे दी जो है तो फिर आपने एक्सेप्ट कैसे कर लियो फ़ीस, तो इसलिए उसी सिलसिले में। और प्लस मैंने लेट फीस दी है, लेट फीस भी ले ली उन्होंने और अब दोबारा मांग रहे हैं। सेकंड टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं अप्रैल में, अब दोबारा भरनी है फ़ीस। वो अब मैं उनके पास जाऊंगा और पूछूंगा कि वो 2000 रुपये जो मैंने दिए हैं वो कहाँ पे हैं, 2000 रुपये कम नहीं होते। खैर मैं निकल रहा हूँ बाल कटवाने के लिए, अभी मैं आया था, दुकान तो बंद है क्योंकि लॉकडाउन है दिल्ली में, और अब मैं जा रहा हूँ दूसरे वाली दुकान पे, अभी मैं घर पे जाऊँगा बाल कटवाने, जो शायद काट दे हूँ, बाल ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं इसलिए मैं कटवाने के लिए जल्दी हूँ। उनका नंबर तो है नहीं मेरे पास लेकिन मैं उनके बोर्ड से उनका नंबर ले लूँगा और फिर उनसे। सो गाइस, मैं नहा धोकर निकल चुका हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहाँ पर अपने बड़े पापा को छोड़ के आऊँगा ट्रेन में बैठा कर, फिर वापस चलते हैं कहीं पर देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं ऑटो लेने जा रहा हूँ। सो गाइस, मुझे जो है वो ऑटो में तो जगह मिली नहीं है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सिर्फ 2 या 3 ही जो है वो सवारी अलाउ है और उसके अलावा नहीं है, और मेरे बड़े पापा चले गए हैं, लेकिन मैं मेट्रो से जाऊँगा, वहाँ जाकर उन्हें वहाँ से पिकअप करूँगा और फिर उनको बैठा कर आना है ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन की जानकारी नहीं है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन के पास क्योंकि मुझे मेट्रो पकड़नी है, मेट्रो में बैठना है, तो उसके बाद शायद दूसरी मुझे पुरानी दिल्ली जाना है, पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन के, और अब मैं चल रहा हूँ। मुझे 15 मिनट हो गए यहाँ पर खड़े खड़े लेकिन अभी तक मेट्रो नहीं है, वैसे तो आ जानी चाहिए तब तक, ये तो ये है कि लॉकडाउन होने की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन है, सैटरडे संडे लॉकडाउन है दिल्ली में, इसलिए काफ़ी देर हो रही है, मुझे वहाँ भी टाइम से पहुँचना है, और इधर ये मेट्रो नहीं है अब तक। फाइनली गाइज, मैंने जो है मेरे पापा को मैंने बिठा दिया है, बड़े पापा थे मेरे, अब मैं निकल गया हूँ घर की तरफ। पहली बार तो ट्रेन बहुत लेट थी, 1:05 का टाइम था लेकिन 1:30 बजे आई, और आज क्राउड भी नहीं इतना, भीड़ काफ़ी कम है क्योंकि कोरोना की वजह से, और मेट्रो भी लेट चल रही है, 5-5 मिनट, आधा घंटा ऐसे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अब क्या होगा।
आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे, सॉरी मेट्रो स्टेशन पे। अब चलते हैं वापस घर और अगली मंजिल की तरफ अगला काम करने के लिए। अब मैं निकल चुका हूँ। ऐसे ऐसे नहीं देते, पिक्चर को कैसे देते हैं ऐसे।